इंतजार खत्म हुआ मेरे भाई, अब यामाहा आने वाले बेहद ही कम समय में भारत के बाजार में अपनी नई मोपेड PG1 को लॉन्च करने जा रही है। यामाहा की ये मोपेड रेट्रो लुक के साथ एक मोपेड बाइक की यादों को तरोताजा करने वाली है। यामाहा की नई PG1 मोपेड में लुक्स भी इतने जबरदस्त रहने वाले हैं कि आप देखते ही कहेंगे कि वाह भैया क्या मोपेड बनाई है। अगर आप भी यामाहा की इस खूबसूरत मोपेड को पसंद करते हैं और जल्द ही इस मोपेड को भारत की सड़कों पर दौड़ते हुए देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी से एक लाइक कर दीजिए। आज हम यामाहा PG1 मोपेड के बारे में डिटेल्स में बताने जा रहे हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। और हाँ, चैनल NJ हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको रोजाना नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। 2024 मॉडल यामाहा PG1 मोपेड में दिए जाने वाले इंजन की अगर हम बात करें तो इसमें कंपनी 114cc का एयर कूल 4-स्ट्रोक SOHC 2V इंजन देने वाली है। ये इंजन 5500 RPM पर 9 BHP की पावर और 7000 RPM पर 10 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। लुक्स की बात करें तो 2024 यामाहा PG1 मोपेड की डिजाइन बेहद ही जबरदस्त रहने वाली है। इस मोपेड में हेलोजन लाइट्स, गोलाकार हेडलैम्प्स इस मोपेड की खूबसूरती को और भी जबरदस्त बनाते हैं। इसके साथ ही इस मोपेड में छोटा काउल, LED डे टाइम रनिंग लैंप्स, स्टिप, वहीं मोपेड के बैक साइड में ग्रैब रेल, लंबी सीट्स यामाहा की इस मोपेड को अलग लुक प्रदान करती हैं। फीचर्स की बात करें तो 2024 मॉडल यामाहा PG1 मोपेड में वो सभी फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं जिसके बारे में जानकर आप भी कहेंगे वाकई में मोपेड बहुत ही जबरदस्त है। कंपनी इसमें इलेक्ट्रिक स्टार्टर, ब्लैक अलॉय व्हील, पोर्ट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देने वाली है। साथ ही इस मोपेड में साइड स्टैंड इंजन, कट ऑफ और USB चार्जर जैसे तगड़े फीचर्स मिलेंगे। वहीं यामाहा नई मोपेड में इंस्ट्रूमेंट कंसोल, एनालॉग स्पीडोमीटर और फ्यूल गेज ओडोमीटर, रियर टाइम फ्यूल एफिशिएंसी और क्लॉक के लिए LED पैनल दिए जाने वाले हैं। माइलेज रेंज की बात करें तो 2024 यामाहा PG1 मोपेड 1 लीटर पेट्रोल से 87 किलोमीटर प्रति लीटर तक का शानदार माइलेज देने वाली है। लॉन्च डेट की बात करें तो अपकमिंग 2024 यामाहा PG1 मोपेड को कंपनी नवंबर-दिसंबर महीने में लॉन्च कर सकती है, यानी जल्द ही इस मोपेड के लिए बुकिंग जानकारी भी सामने आने वाली है। 2024 यामाहा PG1 मोपेड की कीमत की बात करें तो कंपनी इसे 49,999 रुपए में लॉन्च कर सकती है, जो कि ये कीमत 60,000 रुपए तक जा सकती है। मुकाबले की बात करें तो अपकमिंग यामाहा PG1 मोपेड का भारतीय बाजार में कड़ा मुकाबला TVS XL 100 से होने वाला है। अब आपका क्या प्लान है मेरे भाई, क्या आप भी लॉन्च होते ही यामाहा की इस मोपेड को खरीदने का प्लान बनाएंगे? यस या नो लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। साथ ही वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।